हेलो बच्चों, किसी धीरे ध्रुव के कारण विद्युत विभव के बाद आज हम पढ़ेंगे बच्चों सम विभव पृष्ठ। ठीक है, जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बच्चों मैं इसका बेस सिखाऊंगा कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश क्यू के कारण, किसी बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर आपको पता है आर दूरी हम कहाँ से लेंगे, केंद्र से लेंगे। ठीक है, देखिए आर दूरी पर विद्युत विभव वी बराबर कितना होगा, के क्यू बटे आर होगा। ठीक है, कैसे पढ़ा था अपन ने सूत्र को, ध्यान दीजिए, किसी आवेश क्यू से आर दूरी पर विभव का सूत्र। ठीक है, अब देखिए, अब ये आर दूरी आवश्यक नहीं है कि हम यहीं पे लें, ये जो दूरी है ये यहाँ पर हर जगह हम ले सकते हैं। अगर दूरी यहाँ पे होगी तो कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे या फिर ऐसे। तो इस प्रकार से मैंने न्यूनतम कितनी दूरियां ली, 8 दूरियां सभी दिशाओं में। अब देखिए, अब इसके जैसे ही बिंदु को मैंने मिलाया, ठीक है, इन सभी को मैंने क्या किया, मिलाया, तो मेरे पास एक क्या बन गया, गोला बन गया। क्या बन गया, त्रिविमीय दिशा में क्या बन गया, गोला बन गया। तो देखिए ध्यान देना, तो ये जो पृष्ठ मेरे पास बना है, ये जो मेरे पास पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पे हर तरफ कितना विभव होगा, वी बराबर के क्यू बटे आर। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस पूरे पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है। तो बस आपका जो परिभाषा है वो बन गई। ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहे, समान रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, सम विभव पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बच्चों मैंने अभी जो बोला है वो पूर्णतया परिभाषा सही नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान दीजिए, ये जो धनावेश है ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, ई वेक्टर। क्या आएगा, ई वेक्टर। तो ये जो मेरे पास पृष्ठ है बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र में क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो इसलिए इसकी परिभाषा में हमें विद्युत क्षेत्र का नाम लेना क्या है, आवश्यक है। अतः आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहे। क्या रहे, समान रहे। तो ऐसे पृष्ठ को आगे आप लिख लेना, तो ऐसे पृष्ठ को हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों इसमें आवश्यक वर्ड क्या है, पता लग गया, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। अब देखिए बच्चों, मैंने अभी जो बनाया है पृष्ठ वो एक ही बनाया है, लेकिन आप बहुत सारे पृष्ठ ले सकते हो। कैसे ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर इस दूरी को मैं आर वन मान लूँ, क्या मान लूँ, आर वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर वन आएगा, और विभव को हमने क्या मान लिया, वी वन। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, प्रथम पृष्ठ पर विभव का मान। ठीक है, अगर इस बिंदु आवेश से मैंने दूरी थोड़ी सी अधिक ले ली, दूरी क्या ले ली, थोड़ी सी अधिक ले ली। ठीक है, वो मान लीजिए मेरे पास है बिंदु क्या है, क्यों है मान लें। तो देखो ऐसे ही हर दिशा में हम क्या खींचेंगे, रेखाएं खींचेंगे आर टू दूरी के बराबर। तो इस क्यू बिंदु से भी एक गोले की क्या बनेगी, परिधि बनेगी। ठीक है, चूंकि इसकी दूरी कितनी है, आर टू है बिंदु आवेश से, तो वी बराबर के क्यू बटे में क्या आएगा, आर टू आएगा। आर टू के कारण यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी टू। तो वी टू का मतलब क्या होगा, दूसरे पृष्ठ पर विभव का मान। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से बच्चों हमारे पास पृष्ठ हैं बहुत सारे जो बनते हैं, ये पहला पृष्ठ हो गया और ये दूसरा पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो इसको हम आमतौर पर लिखते नहीं है बुक्स के अंदर, इनके अंदर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ भी वी वन लिखा हुआ हो समझ जाना वहाँ पे क्या आएगा, के क्यू बटे आर वन, जहाँ पे वी टू लिखा हुआ हो वहाँ पे क्या आएगा, के क्यू बटे आर टू। पहली बात तो ये। अब देखो बच्चों होता क्या है कि
इस चीज को आप एक तरह का एक और समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है मेरे पास, ठीक है, और उसके प्रत्येक बिंदु पर निहित आवेश का मान कैसा है? समान है। निहित आवेश का मान कैसा है? समान है। और उनके मध्य दूरी भी कैसी है? बराबर है। उनके मध्य दूरी भी क्या है? बराबर है। तो इनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? समान। तो ऐसे पृष्ठ को भी हम क्या बोल सकते हैं? समविभव पृष्ठ बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात आप भूल मत जाना। ठीक है, तो वो चीजें, तो आप ऐसा मानते हो कि समरूप आवेशों के वितरण का जो पृष्ठ होता है वो भी एक प्रकार से क्या है? समविभव पृष्ठ ही है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक बार एग्जाम्पल, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, ध्यान देना। किसी भी चालक का पृष्ठ, बच्चों लाइफ में कभी भूल मत जाना, किसी भी चालक का जो पृष्ठ होता है वो एक समविभव पृष्ठ होता है। क्या होता है? समविभव पृष्ठ होता है। क्यों होता है? ध्यान दीजिए, अगर ये पट्टिका धातु की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है? धातु की, तो आपको पता है धातु के पृष्ठ पे क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? आवेश का मान है। तो किसी भी धातु के पृष्ठ पे प्रत्येक बिंदु पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कभी देखा है कि आज संडे है तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ लेफ्ट साइड में चले गए, बातें करने लग गए आपस में, है ना? ऐसा कुछ ऐसा नहीं है ना, वो चीज़ है। तो हर बिंदु पे इलेक्ट्रॉन का जो विद्यमान जो है, निहित जो है, वो क्या रहेगा? समान रहेगा। इसीलिए किसी भी चालक के पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है? एक समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर इस टॉपिक के ऊपर गुणधर्म आते हैं। क्या आते हैं? गुणधर्म आते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं गुणधर्मों की। बच्चों आपको कोई भी चार गुणधर्म आपको याद होने चाहिए, सॉरी न्यूनतम दो और महत्तम चार गुणधर्म क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, पहला गुणधर्म क्या है? ध्यान देना कि दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ परस्पर कभी नहीं काटते, परस्पर कभी नहीं काटते। जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं थी, ठीक है, पाठ नंबर एक में उसी प्रकार से है ये। ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा था? दो बल रेखाएं जो होती हैं विद्युत क्षेत्र की कभी भी नहीं काटती, क्योंकि काटने से उभयनिष्ठ बिंदु पे दो मान प्राप्त होते हैं जो कि संभव नहीं है। तो देखिए ये मेरे पास कौन सा पृष्ठ है? पहला पृष्ठ है। ये मेरे पास कौन सा पृष्ठ है? दूसरा। क्या ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं क्या? नहीं काट रहे ना, तो यही बात हमने यहाँ पे क्या कर दी? लिख दी। ठीक है, तो बच्चों डायग्राम का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है फिर इसके अंदर। ठीक है, आगे देखिए, तो देखिए आगे आप इसका कारण भी लिख सकते हैं, इसका आप कारण भी लिख सकते हैं कि दो समविभव पृष्ठ परस्पर कभी नहीं काटते, क्योंकि ऐसा होने पर दो विभव के मान प्राप्त होंगे जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर टू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों विभवांतर, क्या विभवांतर? VAB आप लोग पढ़ चुके हो, VA-VB बटे में कार्य बटे प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, सिंपल सी बात है। अभी आपको मैंने क्या बताया कि वह पृष्ठ जिसपे समान क्या रहे? विभव रहे। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर मेरे पास ये एक समविभव पृष्ठ है और यहाँ मेरे पास बिंदु ए है, यहाँ मेरे पास बिंदु बी है, तो इन दोनों पे विभव का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। तो ए बिंदु पर विभव बराबर बी बिंदु पर विभव होगा, नहीं होगा? ठीक है, तो देखिए ये दोनों विभव जैसे समान हो जाएंगे तो ये विभवांतर का मान कितना आएगा? शून्य आएगा। क्या आएगा? शून्य। ऐसा होने से मेरे पास कार्य बराबर कितना जाएगा? शून्य जूल, शून्य जूल। तो देखो बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तथ्य, ध्यान देना। इसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जाने में किया गया कार्य सदैव कितना होता है? शून्य होता है, क्योंकि दोनों विभव कैसे हैं? समान हैं। ठीक है, ये बात कभी भूल मत जाना। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसकी परिभाषा को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, हमारे काम में आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड गुणधर्म।
बच्चों थर्ड गुणधर्म के लिए आपको जाना पड़ेगा लास्ट मेरे लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र तथा विभव के मध्य संबंध। ठीक है, तो देखिए थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं अब। ठीक है, तीसरा गुणधर्म जिसमें काम में क्या आएगा, सूत्र काम में आएगा। ध्यान दो कौन सा फॉर्मूला है ये, याद कीजिए आपको मैंने लिखवाया था dv बराबर माइनस का e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि जब इसका समाकलन करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे अनंत से r दूरी तक। तो आप लोग पढ़ चुके हो कि v बराबर कितना होता है, e वेक्टर डॉट dr वेक्टर अनंत से कहाँ तक, r दूरी तक। ठीक है, तो इनका मतलब एक ही है बच्चों, बस फर्क क्या है, ये अवकल स्वरूप है, इसको हम जब नीचे भेजते हैं ना तो अवकल स्वरूप बनता है, और ये कैसा स्वरूप है, समाकलन स्वरूप है। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब ध्यान देना, पहली बात तो ये हो गई, अब ध्यान दीजिए दूसरी बात क्या है, विभव की परिभाषा आपने पढ़ी थी बच्चों, वो क्या कह रही थी, वी बराबर कितना होता है, डब्ल्यू बट्टे क्यू नोट, याद आया। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे अल्पांश है dv का, तो मैंने यहाँ पे अगर अल्पांश लिया तो यहाँ भी क्या लेंगे अपन, अल्पांश लेंगे, या को मैं सिखा चुका हूँ पहले, अल्पांश हमेशा दोनों तरफ से लेते हैं, लेफ्ट और राइट से, संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र में dv के स्थान पे मैं क्या रख दूंगा, dw बटे में q नॉट बराबर माइनस का e वेक्टर डॉट dr, मेरे पास आएगा नहीं आएगा। अब देखिए जो दूसरा गुणधर्म है उसमें क्या आया, कार्य का मान कितना आया, शून्य आया, तो ये कार्य का मान शून्य आने से बच्चों ये पूरा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य। अब देखिए इसका अर्थ क्या है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस सूत्र के दाएं पक्ष में देखो क्या हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है, जिसको आप एक्सपेंड करोगे तो धन दो क्या आएगा, ई का मापांक डी आर का मापांक और कोस थीटा आएगा। भाई आप पढ़ चुके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या था, ए का मापांक बी का मापांक और कॉस थीटा। अब देखिए अब ई का मान शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि ई तो यहाँ पे है, डी आर विस्थापन भी शून्य नहीं हो सकता, तो ये दोनों को हम कहाँ भेज देंगे, जीरो में भेज देंगे, तो क्या आएगा, कॉस थीटा बराबर शून्य डिग्री। तो बच्चों ध्यान दिमाग लगाओ, कॉस का मान जीरो कब होता है, जब थीटा कितना हो, नब्बे डिग्री हो, कितना हो, नब्बे डिग्री। अब देखो बच्चों इससे अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ क्या निकला, ध्यान देना, ये जो थीटा होता है किसके मध्य कोण होता है, ई और डी आर के मध्य होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी समविभव पृष्ठ के लिए, किसी भी समविभव पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा विस्थापन डी आर परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, ये बात कभी भूल मत जाना आप। ठीक है, दुआ सुनो, किसी भी समविभव पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र ई और विस्थापन डी आर परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, जिसके कारण से कार्य का मान क्या आता है, शून्य आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा गुणधर्म हो गया, तीसरा गुणधर्म हो गया। और बच्चों चौथा गुणधर्म जो है वो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ थोड़ी देर पहले, याद कीजिए कि किसी भी चालक का पृष्ठ कैसा होता है, एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास चार गुणधर्म थे किसके, समविभव पृष्ठ के, वो हमने अध्ययन कर लिए। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको पढ़ना आराम से आप, वो जहाँ पे दिक्कत आए तो मुझसे पूछना। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।